अभी आप लोग जो देख रहे हो वो देख रहे हो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और यही ट्यूटोरियल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पेन टूल, ठीक है, किसी पार्ट को हाईलाइट करना, हाईलाइट टूल। थर्ड चीज, अगर मैं किसी पार्ट को, इस वीडियो का थंबनेल, इस वाली वीडियो का थंबनेल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैं ऐसे करके, यही नहीं और भी बहुत सारे टूल्स हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कैसे यूज़ करने, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपका किस टाइप का चैनल है, आपको गेमिंग चैनल है, हाउ टू चैनल है या फिर ट्यूटोरियल चैनल है, किसी भी टाइप का चैनल है जहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, आप कुछ ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो जहाँ पर आपकी ऑडियो आपके माइक्रोफोन के थ्रू आएगी, आपको बाद में सिंक नहीं करनी पड़ेगी। आपका लैपटॉप का माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हो, अलग से माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हो, फोन का माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हो, हर तरीके से कर सकते हो। वेबकैम लैपटॉप का यूज़ करना चाहते हो, अलग से कैमरा कनेक्ट करना चाहते हो डायरेक्टली एक ही बारी में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कैमरा जाए, सब कुछ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इस वीडियो के अंदर बताने वाले, वीडियो देखना पसंद है जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्टेप क्या आता है, एक सॉफ्टवेयर को चूज़ करना, एक एप्लीकेशन टूल को यूज़ करना, चूज करना, जिसकी हेल्प से हम ये सब चीजें करने वाले हैं। और इसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट टूल जो मैं आपको आज सजेस्ट करने वाला हूं वो है डेमो क्रिएटर। अब यहां पर हमारा टूल है, इस पे आपको सिंपल से लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां पर जाके ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेना। एक बार मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास मैकबुक है विंडोज के दोनों के लिए ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक बार आपने इसे इंस्टॉल कर लिया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है, इसको यूज करना। लेकिन यूज करने से पहले मैं इसके यूज केसेस आपको बता दूं कि आप किन किन तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। पहला यूज केस क्या आता है, जो हाउ टू ट्यूटोरियल बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है इसके अंदर, इसके अंदर अपने को वेबकैम का ऑप्शन मिलता है। आप लाइव वेबकैम के साथ अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग वेबकैम भी लगा सकते हो और आपको फाइनल एक ही वीडियो के अंदर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस वेबकैम मिलेगा। उसके बाद आप उसमें बाद में एडिटिंग भी कर सकते हैं, उस पर भी जंप करेंगे। सेकंड चीज अगर बात करूं, आपको डायनेमिक कर्सर मिलता है और वो सब टूल्स मिलते हैं, आपको हाईलाइट टूल मिलता है, पेन टूल मिलता है, कर्सर टूल मिलता है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज व्हाइट बोर्ड मिलता है। सेकंड चीज अगर आप गेमिंग करते हो तो आपके लिए एक चीज क्या अच्छी है, 8K तक ये रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। सेकंड चीज 120 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो ये आपको दे सकता है। अभी हम लोग ज्यादा देर नहीं करते और बढ़ते हैं इसके इंटरफेस की तरफ, कैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है अपनी। यहां पर सिंपल सा बहुत सिंपल इंटरफेस है, दो ऑप्शन अपने को मिलते हैं, न्यू रिकॉर्डिंग जहां पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो जिसपे क्लिक करके, और दूसरी चीज वीडियो एडिटर, इस पे हम बाद में जंप करेंगे। न्यू रिकॉर्डिंग पे मैं क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस खुल रहा है जहां पर चार अपने को ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले जोन कैप्चर, तो यहां पर अपने को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, 2K पे करना चाहते हो, फुल HD करना चाहते हो, HD करना चाहते हो, या फिर जितने आपके स्क्रीन का साइज है फुल स्क्रीन करना चाहते हो। इसके अलावा नीचे अपने को और एस्पेक्ट रेशियो के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट के अंदर 3:4 और 9:16। अगर आप रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए कर रहे हो तो आपके लिए ये ज्यादा हेल्पफुल है 9:16 का रेशियो। नेक्स्ट सिस्टम ऑडियो, सिस्टम की ऑडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, मैं इसको डिसेबल कर सकता हूं और इनेबल कर सकता हूं। फिलहाल मैं इसको इनेबल रख दूंगा। फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो प्ले करते हो तो वो भी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आएगी, उसकी आवाज। नेक्स्ट चीज आती है माइक्रोफोन, आप माइक्रोफोन कौन सा यूज करना चाहते हो, यहां पे क्लिक करूंगा, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल रहे हैं। ये कनेक्ट 6 मेरा येला माइक्रोफोन है, इसके अलावा मैं अपने मैकबुक का माइक्रोफोन यूज करना चाहता हूं, लैपटॉप का करना चाहूं, वो भी कर सकता हूं इस पे क्लिक करके। बाकी आपने जो कनेक्ट कर रखे होंगे माइक्रोफोन अपने लैपटॉप के साथ वो यहां पर शो हो जाएंगे आप एक बार इसे ओपन करोगे तो। इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज की आती है हमारी वेबकैम, आप वेबकैम लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे लैपटॉप में वेबकैम है, मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पे वेबकैम लगा दिया, प्रीव्यू आ रहा है। मैं इसको राउंड करना चाहूँ राउंड कर सकता हूँ सर्कल, कई लोग सर्कल यूज करते हैं, मैं भी पर्सनली अपनी वीडियो में सर्कल यूज करता हूँ, वो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है मुझे। बाकी इसमें और फीचर मिलते हैं वेबकैम के अंदर, AI रिकॉग्निशन, जहां पर ये मेरे बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। इस पर क्लिक किया मैंने, ओके पे क्लिक किया तो इसने मेरे बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, बिना ग्रीन स्क्रीन के मैं अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूँ कुछ ऐसा। अभी यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले, दो ऑप्शन अपने को यहाँ पे नीचे मिलते हैं, एक्सपोर्ट एक्सप्रेस या फिर एडिट रिकॉर्डिंग। ये क्यों है, अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी इसके हेल्प से और कुछ नहीं करना है तो एक्सपोर्ट एक्सप्रेस पे क्लिक कर देना। अगर आप एडिट रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको क्या ऑप्शन मिल जाता है, आपको बहुत सारे एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। वेबकैम की फुटेज अलग मिलेगी मुझे, ऑडियो रिकॉर्डिंग की ऑडियो अलग मिलेगी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो अलग मिलेगी। तो मैं फिलहाल इस पे क्लिक कर लेता हूँ एडिट रिकॉर्डिंग, अभी रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ सिंपल सा 3:2:1। अभी कोई बंदा फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कोडिंग सिखा रहा है, उसके पास ये सारे टूल्स है, वो किस तरीके से इनको यूज कर सकता है। सबसे पहले वो पेन टूल पे जाएगा, अगर पेन टूल पे जाने के बाद येलो कलर का पिक कर लेते हैं, वो बता रहा है फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर ऐसे। नेक्स्ट चीज हाईलाइट करना है उसे किसी पार्ट को, WMV फाइल, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, कलर चूज किया मैंने रेड, सिंपल सा आप कुछ और लगा सकते हो यहाँ पर चाहो तो। नेक्स्ट अगर बात करें सर्कल, आप किसी पॉइंट पर सर्कल लगाना चाहते हो, यहाँ पर क्विक टाइम पे
सर्कल लगाना है मुझे। रेक्टेंगल पे अगर मैं क्लिक करूं वही सेम चीज है लेकिन रेक्टेंगल होगी। इसके बाद एरो का ऑप्शन मिलता है अपने को, के बाद लाइन का ऑप्शन मिलता है अपने को। इसके बाद अगर मैं इरेजर टूल को पकड़ू इरेज कर सकता हूं मैं किसी पार्ट को, अगर जिस चीजों पे मैं क्लिक करूंगा जो मैंने बना रखी है उनको मैं इरेज कर सकता हूं इसकी हेल्प से। और अभी नेक्स्ट चीज एक इंपॉर्टेंट चीज स्पॉटलाइट, इसको क्लिक करने के बाद किसी भी पार्ट पे अपने कर्सर से क्लिक करोगे और वो पार्ट स्पॉटलाइट पे आ जाएगा, बाकी की स्क्रीन डार्क हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी और वो पार्ट हाईलाइटेड रहेगा। साथ ही साथ व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आके आप और चीजें कर सकते हो, कुछ लिखना चाहते हो कुछ लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। व्हाइट बोर्ड आपको मिलता है, इस पे क्लिक करोगे वापस व्हाइट बोर्ड गायब हो जाएगा, वापस से अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल पे आ जाओगे जिस पेज पे आप हो। स्टॉप रिकॉर्डिंग मैं फिलहाल के लिए करता हूं, इसको स्टॉप कर देता हूं कि मैंने स्टॉप कर दिया। और इसने साथ ही साथ हमारे लिए वीडियो एडिटिंग का इंटरफेस ओपन कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था तीनों रिकॉर्डिंग्स अलग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलग आ रही है, इमेज की रिकॉर्डिंग अलग आ रही है, ऑडियो की रिकॉर्डिंग अलग है। अभी हम लोग वीडियो एडिटिंग पे जंप करते हैं तो मैंने आपको सारे टूल्स तो उसके बता दिया ऑलरेडी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको जो मिलते हैं उसके हिसाब से आप इंगेजिंग बना सकते हो अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त। अभी एडिटिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें करनी है और कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे पहले चीज सिंपल चीज है, ट्रिम करना चाहते हो आगे पीछे से ट्रिम कर सकते हो, एक पार्ट पे कट मारना चाहते हो तो स्प्लिट का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करूंगा मैं स्प्लिट हो गई, अंडू करना चाहते हो अंडू कर सकते हो। ये सब चीज तो अपने को हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिलती है, आपने अगर यूज किया होगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी, यहाँ पर लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है, आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो क्लिप तो यहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज हम लोग जंप करते हैं इफेक्ट्स के ऊपर, ए रिकग्निशन वाला फीचर यहाँ पर भी मिलता है, आपने उस टाइम पे अपने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया आप यहाँ पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा अपनी वेबकैम की रिकॉर्डिंग के ऊपर तो इसने मेरा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, हमको यहाँ पे दिखा है, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए मैं अंडू करता हूँ। तो ये एआई के फीचर्स भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ब्लर बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, मिरर बॉर्डर ओवरले, कर्सर पे जाए तो कर्सर के अंदर कर्सर हाईलाइट करने का ऑप्शन किसी पॉइंट पे तो वो भी कर सकते हैं, कर्सर स्पॉटलाइट, कर्सर मैग्नीफाई, क्लिक साउंड, क्लिक रिंग्स, पैन जूम के अंदर देखे तो आपको किसी पार्ट पे पैन जूम करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मुझे इस पार्ट पे करना है पैन जूम और थोड़ा इसे लंबा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं प्ले करके दिखाऊं आपको, ठीक है, धीरे धीरे करके उस पार्ट पे जूम कर रहा है, आप इस पर एडिट मार सकते हो, आपको जिस तरीके से चाहिए वो सब चीज़ें कर सकते हो। ट्रांजिशन पे मैंने क्लिक किया तो अपने जितने भी ट्रांजिशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, लाइक फेड हो गया, डिजॉल्व हो गया, अप डाउन इरेज, ये सब ट्रांजिशन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट एनोटेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पर अपने को लाइन्स मिल जाती है, एरोज मिल जाते हैं, शेप्स मिल जाते हैं, टेक्स्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। कैप्शंस पे क्लिक करूं, कैप्शंस पे इसके अंदर बहुत ही खास फीचर क्या आता है, ऑटो कैप्शन का। ऑटो कैप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज पे क्लिक करूंगा और अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा, मैंने ऑलरेडी हिंदी करी क्योंकि मैंने इसको टू यूज किया ऑलरेडी, ओके पे क्लिक करूंगा। अब ये क्या करेगा, मेरी पूरी वीडियो में से जहां जहां पे मैंने बोला है उसमें से ये सब टाइटल्स बना देगा ऑटोमेटिकली और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मैंने इसको यूज करा है। इसको प्ले करके देखते हैं, फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ऐसे ये कर दिया, ठीक है। तो इसने सब टाइटल बना दिया, अगर मैं किसी पॉइंट पे कुछ एडिट करना चाहता हूँ इस पॉइंट इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर से एडिट कर सकता हूँ टेक्स्ट को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टिकर्स पे जम करते हैं, यहाँ पर अपने को बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं सोशल मीडिया के लिए स्पेशली, और इमोजीज, अगर आप इमोजीज चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी इमोजीज मिलते हैं, इमोजीज पे क्लिक करना है आपको। तो नेक्स्ट चीज अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर और फिल्टर्स पे जाऊँ, फिल्टर्स अपनी वीडियो पे कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना 70s का फिल्टर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पर 70s वाला लुक आ गया है। फिलहाल मैं इसे अंडू कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं जो अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। तो प्रॉपर ये एज ए वीडियो एडिटर काम करता है आपके लिए, जैसे फिल्मोरा है, बाकी अदर टूल्स हो गए, वैसे ये सिमिलर है काफी हद तक और उन्हीं की तरह काम करते हैं जो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के एप्लीकेशन के साथ मिलता है। ऑडियो पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे, एनिमल्स, नेचर, साउंड, गेमिंग के लिए स्पेशली। तो फॉर एग्जाम्पल अब आपकी एक बार के लिए वीडियो तैयार हो चुकी है, आपको सिंपल से क्या करना है, एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करने के आपको अपना फॉर्मेट चूज करना है, आप किस फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो। मैं फिलहाल एमओवी फॉर्मेट पे ही कर रहा हूं और मैं यहाँ पे प्रीसेट को हाई कर देता हूँ हाईएस्ट क्वालिटी के लिए। सेटिंग्स पे जाऊं तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ 23.976 fps फ्रेम पर सेकंड अपनी वीडियोस के लिए। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा और एक्सपोर्ट के बटन पे दबा दूंगा और मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होकर रेडी हो जाएगी, मेरे को मिल जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका था जिसके थ्रू आप इजीली अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत सिंपल इंटरफेस जिसके अंदर अपने को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही नहीं वीडियो एडिटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आपने नॉर्मल कोई और वीडियो एडिट करना चाहते हो, जरूरी आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही एडिट करनी है, आपने नॉर्मल कोई और यूट्यूब वीडियो एडिट करना चाहते हो ऐसी जैसे आप बात कर रहे हो कैमरे से, वो भी एडिट कर सकते हो इसके थ्रू। तो इसका लिंक वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, डेमो क्रिएटर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही साथ कोई भी अगर आपके डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।